हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाएंगे एकदम झटपट से घर पे ही चॉकलेट सॉस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चॉकलेट सॉस अभी तक अवेलेबल नहीं हो रही है, बिकॉज मार्केट लोग जा रहे नहीं है, लो चीज़ अवेलेबल होने हो रही है उनको। तो ये झटपट वाली चॉकलेट सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोल के ऊपर हम ले लेंगे छन्नी, और इसमें हम थोड़ी सी ड्राई चीज़ें हम छान लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/4 कप, मतलब कि 4 टेबल स्पून भरकर मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, और उसका डबल मतलब 1/4 का डबल 1/2 कप मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, सिर्फ 2 टीस्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मैदा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अब अच्छे से हम छान लेंगे। तो सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से छान लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। ऐसा करने से जो हमारी जो सॉस है ना एकदम स्मूद और क्रीमी बनेगी और इसमें कोई भी गाँठें नहीं आएंगे। तो अच्छे से छान लीजिए। तो ये देखिए, मैंने मिक्सचर पूरा अच्छी तरीके से छान लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब बनाएंगे इसकी सॉस, और उससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। फिर एक पैन में या सॉस पैन में, जिसमें भी आप बना रहे हैं, मैं ले रही हूँ 1 कप भरकर दूध। आप चाहें तो इस सॉस को पानी के साथ भी बना सकते हैं। और इस दूध में मैं 2 से 3 टेबल स्पून भर के डालूंगी ड्राई वाला पाउडर जो अभी हमने तैयार किया था छान के, उसको डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो इसको बैचेस में ऐड कीजिएगा, वरना वो जो है ना अच्छे से मिक्सचर, जो कोको पाउडर का मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसको बैचेस में आप डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। तो ये देखा आपने, मैंने पूरा मिक्सचर ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें कोई भी गाँठे नहीं है और कोई भी ड्राई मिक्सचर नहीं। तो इसको पहला वाला बैच अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें दूसरा वाला बैच डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी कोई भी कोको पाउडर ऊपर दिख रहा नहीं है, एकदम अच्छे से मिक्सचर घुल मिल गया है इस दूध के साथ। तो अब हम इसको उबालेंगे। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हम अब पकाएंगे गाढ़ी करने के लिए, मतलब चॉकलेट सॉस बनाने के लिए। तो गैस का फ्लेम इस वक्त मैंने लो मीडियम रखा है और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मिक्स करते हुए पकाते जाइए, वरना जो है ना आपकी सॉस पे थोड़ी सी गाँठें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करके पकाते जाइए और इसमें हल्का हल्का बॉयल आने का वेट कीजिए। तो ये देखिए, इसमें धीरे धीरे साइड में से बॉयल आने लगा है। तभी भी इसको ऐसे मिक्स करते जाइए स्पैटुला से, ताकि ये पूरी सॉस एक तरफ बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो जाए। तो बस इसका जो उबालने का जो प्रोसेस है ना, वही इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे तरीके से पकाना है, जैसे कि गाढ़ी हो जाए और नीचे से जले भी ना। तो धीरे धीरे आप देखेंगे साइड से एकदम सिजल आ रहे हैं, तो सॉस बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा, गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, और इसको एकदम लोएस्ट फ्लेम पर ही लगातार उबालते रहेंगे करीबन 3 से 4 और मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आपकी सॉस गाढ़ी ना हो जाए। मतलब जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वैसी गाढ़ी ना हो जाए। अगर आपको पतली सॉस चाहिए तो आप थोड़ा इसको कम पका सकते हैं, अगर आपको एकदम गाढ़ी सॉस चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाइए। और बीच में मैं ये विस्क यूज़ कर रही हूँ वापस से, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि इसमें कोई भी लम्ब्स या गाँठें आ जाए। तो इसको फिर से आप विस्क थोड़ा सा मिक्स करते जाइए, ताकि कोई भी अगर गाँठें रहेगी तो टूट जाएगी। तो इसे मैंने टोटल पकाया लो फ्लेम पे करीबन 3 से 3.5 मिनट के लिए, और आप ये देख सकते हैं कि मेरी सॉस कैसी गाढ़ी हो गई, एकदम बढ़िया दिख रही है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी की सॉस मुझे चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी सी और पतली रखना है तो आप इसमें 1/2 कप और दूध या फिर 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है इस वक्त। तो बस सॉस ऑलमोस्ट तैयार हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डालना है मक्खन। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मक्खन और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। मक्खन डालने से क्या होता है ना, इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्टेड मक्खन है। तो आपकी सॉस एकदम बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आप अनसॉल्टेड मक्खन यूज़ कर रहे हैं, घर का बटर भी यूज़ कर रहे हैं, घर का मक्खन यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें 1 पिंच सॉल्ट डाल दीजिए ड्राई मिक्सचर में। और इससे इसका सेकेंड फ़ायदा ये है कि जो हमारी सॉस है ना एकदम गाढ़ी क्रीमी तो बनेगी और इसमें बहुत अच्छा ग्लॉस आ जाएगा मार्केट जैसा। तो ये देखिए, बस मक्खन भी अच्छे से पिघल गया। अब इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर आप स्प्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना सेट होने के बाद भी थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और शाइन भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, एकदम थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी की सॉस बनी है। तो बस इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में और फ्रिज में रख सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ताकि इसमें एकदम बाहर जैसा फ्लेवर आ जाए, और इसको भी मिक्स कर देंगे। तो बस ये हमारी गाढ़ी घर की बनी हुई एकदम फटाफट वाली, बस कोको पाउडर और शुगर के साथ
और बिल्कुल 2 टीस्पून हमने मैदा डाला, उसके साथ तैयार हो गई हमारी चॉकलेट सॉस। इसको आप डाल के स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं शेक्स के लिए, स्मूदीज़ के लिए, सैंडविचेस आप बना सकते हैं, केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।